मेरा सुहा चंद्र जी सुहा चंद्र की गल हुई गल साहब जी इन्हें हुई अहें लगे लैटर पान पोल पर पोले पर उपर चढ़े लोग नेद हे दबड़े दुबड़े मे उपर गया हाँ मैं दिखना कितना रह गया मैं दूजे हंडे मैं थला लगा भी अच्छे इना तो मैं उपर गया कोई पता नहीं लगाया थलू खरा छटिक हिली है सारा मार थला दबन गए सारे बंदे कोई लत भज गई कोई बह कोई भी सिरे लग गई है सामने कोई खल डिगया कोई खल डिगे मैं भी थले डिगा था मैं इं लम्मे लम्मे पैपा ना पैपे सारे इं रिड़ते दो बखियों इंजा हो गए पूरा पुल ही बह गया पूरा पुल बह गया चल जेसी भी लगी उसे कटन भैया हम लोग मतलब डली चल रही थी आज कोलपुर में मतलब ब्रिज की डली चल रही थी करीबन 250-300 लेबर थे हम लोग लैंडर पड़ गया था। हाँ मतलब एक का पर, मतलब परसों से कल से स्टार्ट था डली और आज दूसरा दिन था ऊपर में करीबन 250-300 लेबर मतलब बीचों बीच ना धस गए पूरे नीचे और जितने लोग ऊपर में थे सभी लोग निकल गए मतलब छोटी मोट चोट लगी है कई लोग तो बेहोश तक हो गए थे। कितने लोग थे करीबन वही 250 लोग हाँ लेबर ही। क्या नीचे दबने की किसी की आशंका? अब नहीं सभी बाहर निकल गए सभी सेफ हैं। हाँ सभी सेफ हैं कभी चोट लगी है बाकी सभी को अभी दो तीन जनों को जम्मू से पिक कर दिया लगभग आधे पौने घंटे से पहले हमें कॉल आई है कि यहाँ कोलपुर में जो ब्रिज बन रहा था ग्रिफ वीआरओ बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन बनवा रही थी तो यहाँ पे एक हादसा हुआ है जिसमें जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे थे उनको चोटें आई हैं तो यहाँ का जो कोलपुर सराउंडिंग एरिया है यहाँ के लोगों ने सब मिलकर जिस तरीके से भी सुविधा मिल पाई गाड़ियों की तो उस तरीके से 12 बंदों को पहले टिपर में जहाँ विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है 5 उसके बाद भेजे गए हैं अभी रामगढ़ पुलिस भी यहाँ पर आई हुई है एम्बुलेंस भी आई हुई है तो भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जिनको भी चोटें आई हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और सभी लोगों का बहुत सारा यहाँ योगदान रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ जहाँ पहुँची हैं पूरा जनसमूह है और लोगों की काफ़ी यहाँ पे जो है शिरकत है और सब लोगों ने मिलके उनको उपचार के लिए विजयपुर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल में पहुँचाया है। हम देखिए उम्मीद यही है कि किसी को ज़्यादा क्रिटिकल इंजरी ना हो भगवान से तो हमारी यही प्रार्थना है। अब देखते हैं कि हॉस्पिटल में उनको पहुँचाया गया है आफ्टर ट्रीटमेंट क्या क्या निकल पाता है किस तरीके की इंजरी है तो एकदम से ऐसे हड़कंप मच गई थी और र्यूमर भी था सोशल मीडिया में कि यहाँ पे किसी की जान भी गई है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है प्रभु सब कृपा करें और आगे जो है हम प्रशासन से भी यही मांग करें कि जो जिनको जो चोटें आई हैं उनको अच्छे से जो ट्रीटमेंट मिल पाए।